दोस्तों, देसी मिर्ची तड़का में आपको स्वागत है। मैं बताने जा रही हूँ आज पीठा कैसे बना रही हूँ मैं, वो मैं दिखाने जा रही हूँ। ये धनिया पत्ती है, ये जीरा है, लहसुन है, गोलमिर्च है और मिर्चा है, ये नमक है और ये हल्दी है, ये चना दाल है। देखिए, इसको मैं जा रही हूँ मिक्सी में पीसने के लिए, और पीसने के बाद मैं बताती हूँ आगे। हेलो दोस्तों, देखिए तैयार हो गया है, पीस ली हूँ। अब मैं भर रही हूँ आटे में। देखिए, गैस पर रख दिए हैं और पक रही है। नीचे पानी डाला हुआ है और गैस हाई फ्लेम पर कर दी हूँ। अब धीरे धीरे कम से कम आधा घंटा तक भाप से पकेगी। पकने के बाद फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए, करी पत्ता है और सरसों है, मैं डालू। मैं इसे तल दूंगी सुनहरा होने तक। तेज आंच पर ताकि चटनी साथ खाने में ज्यादा अच्छा लगे। फ्राई कर रही हूँ। इसको टमाटर के सॉस के साथ खा सकते हैं, धनिया पत्ती की चटनी के साथ खा सकते हैं, या तो मुर्गा के साथ खा सकते हैं। जैसे इच्छा है वैसे खा सकते हैं। बच्चे के टिफिन देना है आप खा दे सकते हैं, अच्छा से खुशी से खाएगा बच्चा। हेलो दोस्तों, देखिए बनके तैयार हो गई है, अच्छी लग रही है, कुरकुरी हो गई है, देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रहा है। अब इसको सॉस के साथ बच्चे को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सभी खा सकते हैं। अब बिल्कुल अच्छी लगती है, देखिए दोस्तों कितना क्रंची हो गई है। कैसा लगा दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना थोड़ा मेरे वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है।